क्या होगा आखिर अप्रैल महीने में कुंभ राशि वालों का? बहुत महत्वपूर्ण राशि होती है कुंभ, क्योंकि इसके जो स्वामी ग्रह है ना वो शनि महाराज होते हैं। तो सामान्य राशिफल क्या कहता है, कार्य क्षेत्र क्या कहता है, आर्थिक स्थिति क्या कहती है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य का राशिफल आपका क्या कहता है, इसके अलावा आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, क्या उपाय आपके लिए सहयोगी हो सकते हैं, ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा अप्रैल राशिफल में 2024 में। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, मैं हूं आपका अपना मित्र मानविंदर रावत। और दोस्तों आप मुझसे मेरे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जुड़िए जरूर, फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पर, ताकि इन सभी प्लेटफॉर्म से अलग अलग वीडियोज का आप लाभ उठा सको। और आपके लिए कुछ विशेष है आज वीडियो में, क्योंकि आप कुंभ राशि के हैं, तो कुंभ राशि एक इम्पॉर्टेंट राशि तो होती ही है इस भचक्र के अंदर। और आपकी राशि के जो लॉर्ड है ना शनिदेव, वो रहने वाले हैं पूरे महीने मंगल के साथ। तो मैंने सामान्य फल की शुरुआत कर दी है। अब मंगल और शनि की युति आपको दिखाई भी पड़ रही होगी, ये देखिए, ये रही प्रथम भाव में ही दिख रही है ना, ये आपकी राशि है कुंभ और यहीं पर बैठ गई ये दोनों के दोनों ग्रह। अब ऐसी स्थिति में शनि तो पावरफुल हैं क्योंकि वो अपने घर में बैठे हैं, पर उनके घर में मंगल आ गया तो मंगल अनइजी हो गया। अब मंगल के पास क्या डिपार्टमेंट है, मंगल के पास तो डिपार्टमेंट थर्ड हाउस का है, और मंगल के पास डिपार्टमेंट है आपके कैरियर का, तो कैरियर को लेकर के और आपके तीसरे भाव को लेकर के साहस पराक्रम को शरीर पर बैठा है, थोड़ा सावधान हो जाना क्योंकि मंगलिक दोष बना हुआ है। ज्यादा हड़बड़ाहट मत करना, ये अभी सामान्य फल ही बता रहा हूं, अभी तो बढ़ूंगा आगे हर पॉइंट पर, थोड़ा धैर्य से काम लेना। आपके खिलाफ कोई गुप्त षड्यंत्र रचा जा सकता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जा सकती है आपके शत्रुओं के द्वारा, इसलिए आपको अलर्ट अभी से कर रहा हूं। मंगल शनि है 23 तारीख तक रहेंगे, 23 तारीख को मंगल आगे बढ़ जाएगा और इधर आ जाएगा सेकेंड हाउस में, और पर यहां बैठा है राहु, एक जगह से निकला तो दूसरी जगह जाके फंस गया। अब मंगल राहु का यह अंगारक दोष बनेगा, इसका मतलब यह हुआ कि आपका प्रथम भाव और आपका सेकेंड हाउस, ये दो घर तो पीड़ित रहेंगे, और ये दो घर आपके लगभग इस पूरे महीने पीड़ित रहेंगे, यानी कि परिवार में अनबन रहेगी और साथ में मान सम्मान में कमी होगी और थोड़ा कैरियर में भी आपके फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। अब विषय आता है कि आखिर और क्या हो सकता है। देखिए पहले 14 डेज तो सूर्य भी राहु के साथ बैठा है, यहाँ परिवार के ही घर में, पैसे के घर में, वाणी के घर में, तो सूर्य राहु की युति भी अच्छी नहीं होती। तो आपको अगर अगर देखा जाए तो यहाँ पर फर्स्ट 14 डेज तो बहुत शांति से प्रेम से आपको निकालने होंगे। तो अगर इतना बुरा है तो क्या फिर आपकी इनकम का फ्लो भी रुकेगा, क्या आपका अर्थतंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा, क्या आपका स्वास्थ्य पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, ये सब मन में विचार आ रहे होंगे। तो अब इन प्रश्नों के उत्तर आपके देने में शुरू करूंगा। इन जनरल मैं आपसे कह सकता हूं कि ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरपूर है, क्योंकि आपके सेंटर हाउसेज में कोई भी शुभ ग्रह नहीं बैठा, यानी कि 1, 4, 7 और ये 10, ये जो आपके चार भाव हैं इनमें कोई भी ग्रह शुभ नहीं है, जिसके कारण फ्लक्चुएशन निश्चित तौर पर आती है। अब आपसे बात करते हैं कि कार्य क्षेत्र क्या कहता है। तो कर्म की जो जिम्मेदारी आती है वो है मंगल ग्रह के पास, और मंगल ग्रह आपके शरीर पर ही बैठे हैं, मेहनत परिश्रम ज़्यादा होगा, अत्यंत विघ्न बाधाओं और कठिनाइयों के बाद कैरियर को गति मिलेगी, यानी कि कैरियर अपनी रफ्तार पर आएगा, पर स्ट्रगल आपको ज़्यादा करना पड़ेगा इस पूरे महीने, ये मैं आपको निश्चित तौर पर कह देना चाहता हूँ। जो लोग अग्नि से संबंधित काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में है, या जो लोग IITian हैं, इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा के अंदर हैं, उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आपके लिए अभी स्ट्रगल है, आपके लिए अभी मेहनत है, आपको अभी चुनौतियां फेस करनी पड़ेंगी, आपको अभी मेहनत इस महीने बढ़ानी ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि मंगल शनि इकट्ठे बैठे हैं। अब यहाँ पर आपकी एक चीज़ अच्छी भी है पर इस युति में, कि आप ज़्यादा किसी के सामने झुक नहीं सकते, दब नहीं रह सकते, आपका कॉन्फिडेंस नहीं टूटेगा, आप अपने कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते रहोगे। अगर मैं आपसे बात करूं आर्थिक रूप से, तो देखिए मेरे को ये कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि उच्च के शुक्र आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं 24 तारीख की रात तक, तो शुक्र तो आपको पैसा देंगे चाहे कोई कितना ही रोक ले। अब रोकेगा कौन, रोकेगा सूर्य और रोकेगा यहाँ पर राहु भी थोड़ा सा, बट
रोक किस सेंस में सकते हैं, बस ठीक है खर्चे करा देगा, पत्नी का स्वामी होकर के बैठा है तो खर्चे ज़्यादा कराता है। अदरवाइज आपके लिए शुक्र ग्रह भाग्य का लॉर्ड है और आपके सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन जमीन जायदाद का लॉर्ड होकर के सेकंड हाउस में बैठा है, फाइनेंशियल गेन आपको देगा और ये 24 अप्रैल की शाम तक देगा। अब इसमें बुध ग्रह भी तड़का लगा देंगे आकर के और वो 9 अप्रैल से लेकर के बुध ग्रह इधर नीच के हो रहे हैं, वापस मीन राशि में नीच होकर के आ रहे हैं। जैसे महीने की शुरुआत में तो आपको यहाँ मेष राशि में दिख रहे हैं फर्स्ट 9 डेज तक, पर 9 तारीख को ये लगभग दोपहर बाद वापस इधर आ जाएंगे वक्री होकर के मीन में। तो यहाँ पर बुध का मीन में नीच होना और इधर ही बुध इधर शुक्र का मीन में उच्च होना, तो एक नीच भंग राजयोग बन जाएगा जो शुक्र बुध के लिए बनाएगा। तो एक तो केंद्र कोण राजयोग और एक नीच भंग राजयोग, यानी कि पैसे की आवक होगी और ये पैसे की आवक आपको विशेष रूप से होगी 14 अप्रैल से लेकर के और 24 अप्रैल की रात तक। यानी कि ये जो 10 दिन रहेंगे इनमें आपका इनकम का फ्लो इतना हो जाएगा कि आप पूरे महीने का कवर अप कर लोगे या हो सकता है आगे आने वाले एक महीने तक का और भी कवर कर लो, क्योंकि ऐसी स्थितियां यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं। पर पहले 14 डेज मैं एक पॉइंट को और साथ में कवर कर देता हूं, वो है पारिवारिक जीवन। फर्स्ट 14 डेज में फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होगी और फिर 24 तारीख के बाद से भी होगी, क्योंकि 24 तारीख को यहां मंगल राहु का अंगारक दोष बनेगा और फर्स्ट 14 डेज तक यहां सूर्य राहु का दोष भी बना हुआ है युति का। तो इसीलिए आपके पारिवारिक जीवन में तो कलह कलेश रहेगा, बस बीच के जो 10 दिन है वो थोड़ा सा सुकून से निकल जाएंगे, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो है हमारा स्वास्थ्य वाला पॉइंट। हेल्थ की लॉर्डशिप किसके पास है? चंद्र के पास। पर हेल्थ के घर को राहु देख रहे हैं फिफ्थ दृष्टि से, ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ गुम सुम बीमारी चलती रहेगी। कभी पेट का दर्द ठीक हो गया तो पैरों में दर्द आ गया, पैरों का दर्द ठीक हो गया तो कमर में दर्द आ गया, कुछ इस प्रकार से छिटपुट जो परेशानियां हैं स्वास्थ्य दृष्टिकोण से आपके इर्द गिर्द बनी रहेंगी, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अब बात करूँगा आपकी लव लाइफ की। देखिए लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं वो बुध देव हैं, अच्छी रहेगी लव लाइफ। इनफैक्ट आपको लव पार्टनर से सपोर्ट भी मिलेगा 10 अप्रैल के बाद से, इसलिए कह सकता हूँ अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, अपनी मन की बात रखना चाहते हैं, ऐसा कुछ है मन में भाव आपके, तो 10 अप्रैल के बाद आप उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि बात करी जाए आपके वैवाहिक जीवन की, तो इस घर का स्वामित्व सूर्य के पास है। फर्स्ट 14 डेज तो मैरिज लाइफ ठीक नहीं है, पर उसके बाद मैरिज लाइफ आपकी ठीक हो जाएगी, सूर्य ग्रह उच्च के हो जाएंगे। इनफैक्ट आपके जो लाइफ पार्टनर है ना उसका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बूस्ट होगा और वो भी आपसे काफ़ी स्ट्रांगली बात करेगा, यानी कि आप उसमें एक बड़े परिवर्तन देखोगे, जो आत्मविश्वास खोया हुआ आत्मविश्वास वापस प्राप्त होगा। पर 14 तारीख के बाद आपका जो रिलेशनशिप है ये ज़्यादा अच्छा होगा, उसमें मधुरता देखने को मिलेगी, उससे पहले स्थिति थोड़ी अप एंड डाउन रहेगी। छोटे भाई बहनों के साथ में आपको फर्स्ट 14 डेज चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, उसके बाद ठीक है। आप अपना दबदबा दूसरे व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा मत दिखाना, ज़्यादा अपना कहते हैं ना एक सामने वाली का कऊ दबा देना अपनी बातों से या ज़बरदस्ती मनवाना, ऐसे किसी भी काम से आपको बचना है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर हम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एजुकेशन में मेरे को थोड़ा सा बाधा निश्चित तौर पर दिखाई दे रही है, मतलब ये लग रहा है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर चुनौतियाँ फेस करनी पड़ेंगी, एजुकेशन उतनी अच्छी तरीके से नहीं चल पाएगी। दोस्तों अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उपाय के दृष्टिकोण से। देखिए मंगल शनि इकट्ठे बैठे हैं तो जितनी आप मंगल की पूजा कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, जितनी आप शनि की पूजा कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन आप किसी भी शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दान करें, काले तिल का दान करें, एक लोहे की कील जो है वो आप सरसों के तेल में डाल दें, एक स्टील की कटोरी में डाल दें उसमें, और उसको जाकर के आप पीपल के पेड़ पर भी रख के आ सकते हैं या वहाँ अर्पित करके आ सकते हैं या शनि मंदिर में जाकर के चढ़ा करके आ सकते हैं। आपको हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना चाहिए, शिव चालीसा का करना चाहिए, शनि चालीसा का करना चाहिए और तीनों का आपको रोजाना जाप करना चाहिए, पहले शिव फिर हनुमान और फिर अंत में शनि चालीसा। तो इससे आपका मंगल शनि दोनों अच्छा रहेगा और भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, ये उपाय आपको रोजाना करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके दाम्पत्य जीवन में काफ़ी कलह कलेश चल रहा है तो लाल रंग के कपड़े में मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने और 5 गोमती चक्र आप रखें, गोमती चक्र पर पति पत्नी का नाम लिखा होना चाहिए,
या आप उसका उस लाल रंग के कपड़े में पति पत्नी का नाम रख ले लिख लेना, फिर उन गोमती चक्र जो 5 लिए हैं उनको उस लाल कपड़े के अंदर डाल देना, और साथ में थोड़े मिट्टी मुट्ठी भर पीली सरसों भी रख लेना। अब इस कपड़े को सदैव आप अपने साथ रखें, अपने बैग में रखें, अपने सिरहाने के पास रखें, अपने बेड पर रखें, कमरे में किसी, या बेसिकली तो अपने कमरे में किसी ऐसे स्थान पर रखें जहाँ से वह नज़र आता रहे, आपकी दृष्टि उस पर पड़ती रहे। इससे आपके रिश्ते के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलेगी, रिलेशनशिप आपकी मजबूत होने लगेगी। तो ये है सुखी दाम्पत्य जीवन का उपाय। अगर आप भी कुंडली बनवाना दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।